हेलो एवरीवन, सीए के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। आई रियली होप कि आप सबके एग्जाम बहुत ही अच्छे जा रहे होंगे। ओके, एग्जाम चाहे कोई भी हो, प्रेशर बच्चों पे खूब रहता है। ओके, एंड स्पेशली जब हम सीए एग्जाम्स की बात करते हैं, उसमें तो बहुत ही ज्यादा इंटेंस प्रेशर रहता है। और उस कोर्स में एग्जाम का जो भी 10-15 दिन का ड्यूरेशन होता है, उसमें बच्चों के लिए फोकस्ड रहना, एनर्जाइज रहना, मोटिवेटेड रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहता है। ओके, तो उसी डिफिकल्टी को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। और इसमें हम कुछ ऐसे पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे, मैं ऐसे कुछ पॉइंट बताऊंगा जिनको ध्यान में रख के आप पॉजिटिव रह सकते हो, आप फोकस्ड रह सकते हो और अपने माइंड को एनर्जाइज फील कर सकते हो थ्रू आउट द एग्जाम। ओके, तो इस वीडियो को मैं बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही क्रिस्प रखूंगा ताकि आपका ज्यादा टाइम ना लगे और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है, अवॉइड फियर, एंजाइटी एंड वरी। देखिए, एग्जाम होता है, उसकी टेंशन, उसका फियर, उसकी वरी सबको होती है। बट जब आप एग्जाम के ड्यूरेशन में होते हो, तो आपको ये चीजों को बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी चाहिए, आपको अपने माइंड को बिल्कुल ही फोकस्ड और रिलैक्स रखना चाहिए। अब ये चीज करें कैसे, क्योंकि बोलते सब है कि भाई टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। ओके, बट हाउ हाउ टू अवॉइड दिस वरी। ओके, तो देखिए, जब भी आपको एग्जाम की चिंता हो रही है, किसी स्पेसिफिक पेपर की चिंता हो रही है, ओके, तो जस्ट अपने माइंड को रिलैक्स करके 2 मिनट आंखें बंद करके सोचो कि व्हाई आर यू वरिंग अबाउट दैट। ओके, अगर आप उस पे वरी करते रहोगे, फियर करते रहोगे, इज इट गोइंग टू सॉल्व एनीथिंग? ओके, उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? एंड यू विल गेट योर आंसर कि अगर आप चिंता भी करोगे या उससे डरोगे भी पेपर से या उस रिजल्ट से, देन इट्स नॉट गोइंग टू सॉल्व एनीथिंग। जब उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, देन व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम इन वरिंग अबाउट दैट और फियरिंग अबाउट दैट? ओके, तो पहला क्वेश्चन आप अपने आप से पूछो कि वेदर इट इज गोइंग टू हेल्प यू, इज इट गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम? अगर आप चिंता करते रहोगे या आप डरते रहोगे तो नो, राइट? देन व्हाट्स द पॉइंट? ओके, सेकंड थिंग आप ये सोचो कि हैव यू स्टडीड योर बेस्ट? आपने अपनी तरफ से अपनी बेस्ट प्रिपरेशन की है क्या? अगर आपने अपनी तरफ से बेस्ट प्रिपरेशन की है, वी ऑल नो कि रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। ओके, इवन दोज पीपल हु हैव ट्राइड देयर बेस्ट, हु हैव स्टडीड देयर बेस्ट, ओके, रिजल्ट मे और मे नॉट बी एज एक्सपेक्टेड। ओके, बट जब आपने अपनी तरफ से तैयारी कर रखी है, तो उससे ज्यादा आप क्या कर सकते हो? यू कैन नॉट डू एनीथिंग मोर देन दैट, राइट? सो वाई टू वरी अबाउट दैट और वाई टू हैव अ फियर? वॉट यू हैव डन, वॉट यू कुड डू बेस्ट, ओके, जो आप बेस्ट कर सकते हो वो आपने किया, उसके बाद आगे आप कुछ नहीं कर सकते। सो हैव फेथ एंड स्टॉप वरिंग अबाउट दैट, स्टॉप हैविंग फियर। ओके, आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ। ओके, पहली चीज तो चिंता करने से कोई प्रॉब्लम हल नहीं होगा, डरने से भी कोई प्रॉब्लम हल नहीं होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट कीप ऑन वेस्टिंग योर टाइम। तो जैसा मैंने यहाँ पे एक कोट लिखा है कि वरी इज व्हाट, इट्स अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। सेम गोज विद फियर। फियर से क्या होगा, इट विल नॉट हैपन, नथिंग विल हैपन, इट जस्ट your time will get wasted. Okay, so stop wasting your time, stop worrying about something, stop fearing about the exams or the paper or result or anything. Okay, so that is point number one. अब second point, अब कुछ students में क्या होता है कि जैसे हम exam देके आते हैं बाहर, और वो पेपर डिस्कस करना शुरू कर देते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या था, इसका सोल्यूशन क्या था। और अगर बाई चांस अगर पेपर अच्छा नहीं होता है, देन अब दिमाग में टेंशन आ जाती है, यार मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ। तो सबसे पहली बात तो आपको ये करनी है कि जैसे ही आप एग्जाम सेंटर से बाहर आते हैं, ओके, यू शुड नॉट थिंक अबाउट दैट पेपर एनी मोर। उसके बाद से जैसे ही आप एग्जाम सेंटर से बाहर आ रहे हो, आपको अपने नेक्स्ट पेपर के बारे में सोचना शुरू करना है। यू शुड नॉट थिंक अबाउट द पेपर विच यू हैव जस्ट गिवन। ओके, जो पेपर आप दे के आए हो उसके बारे में सोचना बंद करो, क्योंकि दैट इज पास्ट नाउ। ओके, वॉट यू नीड टू थिंक अबाउट नाउ एंड द फ्यूचर, यू शुड प्लान फॉर द फ्यूचर। क्या आपका नेक्स्ट पेपर है, उस पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि अब क्या होता है, अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है, देन यू नेक्स्ट 1 आवर और 2 आवर आप उसके बारे में सोचने में टाइम वेस्ट कर देते हो। ओके, जो कि नहीं होना चाहिए, उसका इम्पेक्ट आपके आगे आने वाले पेपर पे पड़ेगा। ओके, तो जो हो गया, यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग, राइट? अगर आपने कुछ गलत भी कर दिया, यू कैन नॉट गो बैक एंड चेंज इट, राइट?
सो वाई टू थिंक अबाउट दैट, उसके चक्कर में आप आने वाले पेपर पे क्यों इम्पैक्ट डाल रहे हो. सो प्लीज फर्स्ट थिंग क्विट डिस्कसिंग अबाउट एग्जाम्स. ओके, जो भी आपका पेपर दे दिया है उसके बारे में डिस्कस करना बंद करो, उसके बारे में सोचना बंद करो. प्लान फॉर वॉट इज नेक्स्ट. ओके, तो जो भी अगला है उसके बारे में फोकस करो. ओके, ठीक है. थर्ड पॉइंट है गेट साउंड स्लीप. ओके, ये चीज आपको आपके पेरेंट्स भी बोलते होंगे. ओके, और भी दूसरे लोग बोलते होंगे भाई अपनी नींद पूरी करनी चाहिए. और समटाइम्स हम लोग सोचते हैं कि नहीं यार अभी एग्जाम चल रहा है, टाइम वैसे भी कम है, तो ठीक है नींद में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं. ओके, एक एक्सटेंट तक ये ठीक है, बट एग्जाम सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है. ओके, ये एग्जाम आपके 10-15 दिन तक चलेंगे. ओके, तो अगर आप ऐसे ही अगर अपनी स्लीप में कॉम्प्रोमाइज करते रहोगे, इट विल इफेक्ट योर ब्रेन. ओके, स्लीप क्या होता है, स्लीप से आपके ब्रेन को एनर्जाइज होने का टाइम मिलता है. ओके, तो अगर आपका ब्रेन सही से फंक्शन नहीं करेगा देन यू कैन नॉट मेमोराइज द थिंग्स. ओके, और हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि जितना सिलेबस बड़ा है सीए का, राइट, हमें मेमोराइज करना होता है, लर्न करना होता है और फिर उसको प्रोसेस करके राइट लिखना होता है, राइट. तो ब्रेन का हमारे उस टाइम में जो एग्जाम की ड्यूरेशन है उसमें अच्छे से फंक्शनिंग करना बहुत जरूरी है. तो उसके लिए हमारे पास साउंड स्लीप होना बहुत जरूरी है. ओके, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द साउंड स्लीप. ओके, जैसा मैंने यहाँ लिखा है कि अगर आपका माइंड टायर्ड होगा कि इट कैन नॉट फंक्शन वेल, इट कैन नॉट थिंक वेल, इट कैन नॉट एग्जीक्यूट योर प्लान्स वेल. ओके, तो अपने ब्रेन को आपको रेस्ट देना बहुत ही जरूरी है और उसके लिए स्लीप बहुत ही ज्यादा जरूरी है. ओके, और अगर आपका अगर आप साउंड स्लीप लेते हो तो आपको ब्रेन को एनर्जाइज होने का मौका मिलेगा, रिचार्ज होने का मौका मिलेगा. और एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या होता है, कई लोग कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जैसे एग्जाम दे के आ गए फिर उसके बाद 2 घंटे सो जाते हैं, फिर 4-5 घंटे पढ़ाई करते हैं फिर 2 घंटे सो जाते हैं. ओके, और फिर उसके बाद पढ़ाई करते हैं और फिर 2 घंटे, तो वो ब्रेक में सोते हैं. ओके, ठीक है, सबके माइंड का फंक्शन करने का तरीका अलग अलग होता है, बट क्या होता है जब तक आपकी ब्रेन को एक कंटिन्यूअस रेस्ट नहीं मिलेगा ना, तब तक वो उतना एनर्जाइज फील नहीं करेगा. अगर आप 2 घंटे सो के वापस उठते हो तो आपका ब्रेन उतना का उतना टायर्ड रहता है. ओके, सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज यू नीड टू गिव अ कंप्लीट रेस्ट टू योर ब्रेन. तो ये बेटर है कि आप एक कंटिन्यूअस स्लीप ले लो 6 घंटे की, रादर देन टेकिंग 2 आवर्स ब्रेक, स्लीप्स इन ब्रेक. ओके, तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप अपने ब्रेन को प्रॉपर रेस्ट दें ताकि वो उतना ही एनर्जाइज रहे और ताकि जब आप पढ़ाई करो उतना फ्रेश रहे. ओके, जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो भी उसी से रिलेटेड है. यहाँ पहले तो हमने नींद की बात की, अब जैसे आप पढ़ने बैठते हो आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लगातार एक ही जगह बैठ के पढ़ते रहते हो. ओके, तो उस मोनोटोनस जो चीज हो जाती है उसको भी तोड़ना होता है ताकि आपके ब्रेन को थोड़ा सा ब्रेक मिले. जैसे ही थोड़ा सा ब्रेक मिलता है आपका ब्रेन जो होता है वो रीएनर्जाइज हो जाता है. ओके, तो अगर आप कंटिन्यूस सेटिंग में पढ़ रहे हो तो आपको शॉर्ट ब्रेक जरूर लेने चाहिए. और मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रेक आप 10-15 मिनट के रहो, इट कैन बी 5 मिनट शॉर्ट ब्रेक. ओके, और उस ब्रेक में भी अब कई बच्चे क्या करते हैं कि खाना खा रहे हैं तब भी बुक लेके बैठे हैं. ओके, तो ऐसे दो काम एक साथ नहीं हो सकते. ओके, और आपको ब्रेन को थोड़ा सा तो ब्रेक देना ही पड़ेगा. उससे क्या होगा, आपके ब्रेन को जैसे ही थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा वो वापस रिफ्रेश हो जाएगा. जैसे आपने पावर नैप के बारे में सुना होगा, पावर नैप में क्या होता है कि 5-10 मिनट का ब्रेक अगर आप सोते हैं तो आपका ब्रेन वापस रीएनर्जाइज हो जाता है. तो यहाँ मैं सोने का नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ आप किसी तरह से अपने माइंड को डाइवर्ट करो. ओके, जस्ट डाइवर्ट योर माइंड फॉर 5 मिनट्स. अब वो कैसे कर सकते हो, मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं. जैसे आप किसी ऐसे पर्सन से बात करो हु मेक्स यू फील बेटर, या जिससे बात करके आपको मोटिवेशन मिलता है, यू स्पीक टू दैट पर्सन. ओके, थोड़ा सा आपको चेंज मिलेगा. या अगर कोई भी नहीं आपके आसपास तो जस्ट क्लोज योर आईज. ओके, थिंक अबाउट सम हैप्पी मेमोरी. जस्ट 5 मिनट आप अपनी आंखें बंद करो, कुछ ऐसे अच्छे मोमेंट के बारे में सोचो. उससे क्या होगा, आपका ब्रेन बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा. एंड जैसे आपका ब्रेन ब्रेन जो होगा फ्रेश हो जाएगा देन आपका पढ़ाई पे ज्यादा अच्छा फोकस हो जाएगा. सो थोड़े थोड़े टाइम में, मे बी 3 घंटे आप पढ़ रहे हो उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हो, या 2 घंटे के बाद, एज पर योर जैसा भी आपको अगर टायर्डनेस फील हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो और थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते रहो. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज प्लान योर रिविजन वेल. ओके, इस पॉइंट पे मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि अब तक आप लोगों ने अपने अपने प्लान बना लिए होंगे कि किस सब्जेक्ट को किस तरह से रिवाइज करना है.
ओके बट इसमें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें मैं आपको एम्फेसाइज करना चाहूंगा, वो ये है कि ठीक है आपने जो भी प्लान बनाया एग्जाम के एक दिन पहले ये पढ़ना है, एग्जाम से जस्ट पहले ये पढ़ना है, बट मेरा ये पॉइंट कहना है कि जो भी आपके एग्जाम जाने का टाइम है, घर से निकलने का टाइम है, उससे जो पहले के 2 घंटे हैं, उन 2 घंटों में आपने जो भी उससे पहले जो भी पढ़ा है, एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ा है, उसको जस्ट गो थ्रू कर लो, उसको ग्लांस थ्रू कर लो. ओके क्योंकि क्या होता है, जो आपने एक दिन पहले पढ़ा है एग्जाम से या 1.5 दिन पहले पढ़ा है, वो उतना आपको याद नहीं रहेगा एंड टाइम तक. ओके तो जस्ट एक बार आप ग्लांस थ्रू भी कर लोगे ना, वो आपकी मेमोरी में रिफ्रेश हो जाएगा. ओके तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है, इसलिए मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ कि जो भी आपने टॉपिक्स पढ़े हैं 1-2 दिन पहले, 1 या 1.5 दिन पहले एग्जाम से, उनको लास्ट का जो आपका 2 घंटा है उसको उसी लिए बचा के रखो, ताकि जो भी आपने 1 या 1.5 दिन पहले पढ़ा है उसको एक ग्लांस थ्रू कर लो, क्विकली उसको गो थ्रू करो, ताकि वो भी आपके मेमोरी में अभी तक फ्रेश रहे जब भी आप एग्जाम सेंटर में जाओ. ओके और लास्ट पॉइंट है कि आप फोकस्ड कैसे रहो एग्जाम हॉल में. ओके तो अभी तक जो हमने पॉइंट डिस्कस किए, सबसे पहले तो आपको एक तो आपको वो फियर अवॉइड करना है. ओके वरी को अवॉइड करना है, ठीक है. फिर आपको साउंड स्लीप लेनी है. ओके फिर आपको शॉर्ट ब्रेक लेने हैं, ठीक है. और फिर आपको अपना रिवीजन अच्छे से प्लान करना है, स्पेशली 2-3 आवर्स बिफोर द एग्जाम. और जब फाइनल चीज आती है, जब आप एग्जाम सेंटर में बैठते हैं, वहां पे आपको फोकस कैसे करना है, वहां पे आपको क्या चीज प्लान करनी है. ओके तो उसमें सबसे पहली चीज है, जो आपको 15 मिनट्स मिलते हैं क्वेश्चन पेपर्स को रीड करने के लिए, उसको आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है. उसमें आप पहला तो सारा पेपर गो थ्रू कर लो. और उसमें प्लान कर लो अपनी स्ट्रेटेजी कि कौन सा क्वेश्चन पहले आपको सॉल्व करना है, कौन सा बाद में करना है. और सबसे इम्पोर्टेंट वहां पे एग्जाम में फोकस बनाए रखने के लिए ये है कि क्वेश्चन पेपर देखने के बाद डोंट गेट टू एक्साइटेड और टू नर्वस. कई बार क्या होता है, बच्चे बहुत अगर इजी पेपर आते हैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, या अगर टफ पेपर आते हैं बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, और दोनों ही सिचुएशन में गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं. जैसे मैंने बोला है कि हमारा जो माइंड होता है वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करोगे उस टाइम, ओके देन यू आर बाउंड टू मेक सम एरर. ओके माइंड हमारा तभी अच्छे से काम करेगा जब वो शांत होगा. ओके तो अपने माइंड को शांत रखना बहुत ही जरूरी है, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम और वेदर यू आर एक्चुअली राइटिंग द एग्जाम्स. ओके दोनों ही सिचुएशन में. तो यूटिलाइज करो 15 मिनट्स का टाइम और अपने माइंड को फोकस रखो, कंट्रोल रखो, उसको काम रखो, इवन वेदर पेपर इज इजी और पेपर इज टफ. ओके तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था. ओके तो एक बार मैं वापस रिपीट कर दूं, पहला तो आपको अवॉइड करना है फियर वरी, क्योंकि फियर और वरी से कुछ भी नहीं होना है, यू विल जस्ट कीप ऑन वेस्टिंग योर टाइम. ओके और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा. ओके एंड इफ यू हैव प्रिपेयर्ड वेल, यू हैव स्टडीड द बेस्ट यू कैन, देन देर इज नो नीड टू वरी. ओके कुछ चीजें हमें फेट पे छोड़ देनी चाहिए. ओके जस्ट लीव इट टू योर फेट, योर लक, एंड जस्ट डू द बेस्ट यू कैन. ओके दैट वॉज द फर्स्ट पॉइंट. ओके सेकेंड पॉइंट था कि आपको साउंड स्लीप लेनी है. ओके बिकॉज माइंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आप चीजों को आपका माइंड याद नहीं कर पाएगा तब तक कोई सेंस नहीं है. ओके तो आपको माइंड को रेस्ट देना है, शॉर्ट ब्रेक लेते रहो, दैट विल ऑल्सो मेक योर माइंड फीलिंग रिफ्रेश्ड. ओके शॉर्ट ब्रेक लेते रहो. और रिवीजन एग्जाम से जस्ट पहले आप ट्राई करो कि एक बार सारे टॉपिक एक बार ग्लांस थ्रू कर लो, दैट विल हेल्प यू इन रिफ्रेशिंग एवरीथिंग. जो सारे टॉपिक आपके माइंड में रिफ्रेश हो जाएंगे. और एग्जाम सेंटर में जाके प्लीज कीप योर सेल्फ काम, वेदर पेपर इज ईजी और टफ, जस्ट बी काम सो दैट योर माइंड कैन थिंक इन अ प्रॉपर वे. ओके सो दीज आर द फ्यू टिप्स. ओके सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम. आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू. सो जस्ट स्टे डिटरमाइंड एंड स्टे पॉजिटिव. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.